बचपन से युवा होने तक एडुकेशन के सफर का प्रमुख उद्देश्य यही रहता है, एडुकेशन पूरी होते ही अच्छा जॉब, पैसा और आराम की जिंदगी। कल्पना करना जितना आसान होता है, चीजों का होना उतना ही मुश्किल होता है। बढ़ती जनसंख्या और कंपटीशन की मारामारी से आज की युवा डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, लोगों के आलोचनाओं और असफल होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रयासों में कमी नहीं आने दी। मुश्किल या असंभव शब्द उनके सोच में ही नहीं होते। एडुकेशन के साथ साथ धैर्य, आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा रखना भी सीखे। ये बातें जो स्टूडेंट्स को नहीं सिखाई जाती, एक स्कूल भाषण के दौरान श्री रतन टाटा ने 10 बातें बताई। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसीलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। अभी आपको आपके शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बॉस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, इस गलती से सीखो, आगे बढ़ो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाव नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण करने में उन्होंने इतना कष्ट उठाया कि उनका स्वभाव बदल गया। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते, वहां महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती, आपको सिखाने के लिए समय नहीं देता, यहाँ सब आपको खुद करना होता है। सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में देखने को मिलता है, कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं, वहाँ हारने वालों को मौका नहीं मिलता। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होते हैं, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा को पहचानना चाहिए। टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी सीरियल नहीं होते। सही जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ काम और सिर्फ काम होता है। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लो जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करो।